हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए एक कलरफुल पैटर्न। इसमें तो मैंने तीन ही कलर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकते हैं या दो कलर का भी इसको बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ दो रो में बन जाता है। जब हम कलर लगाएंगे तो उसी रो में हमारा पैटर्न आएगा, और आप चाहें तो इसकी जो गैप है, बीच का गैप है, उसको ज़्यादा कर भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। दो दो रो का भी कर सकते हैं आप, 6 रो का भी, 8 रो का भी। ये 4 रो का गैप है। अगर आपको इस तरह का गैप अच्छा लग रहा है तो आप इसी तरह का बनाइए, नहीं तो 6 या 8 रो का आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नीचे से बॉर्डर बनाने के बाद, एक सीधा और एक उल्टा बनाने के बाद सीधे पे आ गए हम, और दूसरा कलर लगा लेंगे। यहाँ से दूसरे कलर से बनाएंगे हम दो फंदे सीधे। अब देखिए, दूसरे कलर से दो फंदे हमको छोड़ देने हैं। दो फंदों के बीच में से इस तरह से धागा निकाल लेना है। ठीक है, धागा निकल गया। उसके बाद धागे को आगे करना है। आगे कर लिया, उसके बाद इन दो फंदों को एक साथ इस तरह से सीधा बना देना है। ठीक है, ये देखिए, वही रिपीट करेंगे। दो फंदों के बाद बीच के गैप में से एक लूप ले लेंगे इस तरह से, और फिर धागा आगे करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, वही रिपीट करना है हमको, पूरी रो यही रिपीट करनी है। दो फंदों के बाद जो जगह होती है वहां से हमको एक लूप ले लेना है, फिर धागा आगे करना है, फिर दो फंदों को, थोड़ा टाइट हो गया है, आप ये वाला जो रो है ये थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से पूरी रो हमारी इसी तरह से आएगी। धागा आगे करेंगे, दोनों फंदों को इस तरह से बना लेंगे। सॉरी, दो फंदे छोड़ करके गैप में से एक लूप ले लेंगे इस तरह से, धागा आगे कर लेंगे और इन दो फंदों को बना लेंगे। इसी तरह हम बार बार इसी को रिपीट करते हुए रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट है, इसको भी हम बना लेते हैं। जिस तरह से शुरू में दो एक्स्ट्रा लिए थे, वैसे ही लास्ट में भी दो एक्स्ट्रा ले लिए हैं। आप चाहें तो एक रख लीजिए, आप चाहें तो इसको बढ़ा लीजिए। पहली रो कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। बैक रो पे आ जाएंगे। बैक रो में दो फंदे हमने ऐसे ले लिए हैं। अब क्या करना है, अब धागा आगे कर लेना है और उस वाले धागे को निकालना है जो हमारा जाली बना था। ठीक है, ये वाला, और जो बनाया है वो नहीं निकालना, बीच वाला निकालना है। वो निकाल के धागा आगे कर लेना है और इन दो फंदों का एक कर देना है। धागा पीछे करेंगे, इस वाले फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे और धागा आगे कर लेंगे और इन दो फंदों को, ये देखिए, पूरी रो इसी तरह से करेंगे। धागा आगे कर लेंगे, धागा आगे करके ये वाला फंदा निकाल लेंगे, धागा पीछे ले लेंगे और दो का एक कर देंगे। ठीक है, धागा आगे, ये जो बीच वाला फंदा है इसको निकाल लेंगे, धागा आगे पीछे करेंगे, दो फंदों का एक कर लेंगे। हमको यही रिपीट करना है बार बार। ये ले लिया,
धागा आगे कर लिया। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। पूरी रो ऐसे ही कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे, धागा आगे करके दो का एक कर लेंगे, धागा पीछे, ये वाला फंदा हमारा आ जाएगा ऐसे। और जो दो का एक फंदा कर रहे हो वो एक बनाया हुआ होना चाहिए, एक लिया हुआ, इस तरह से। पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं इसको, धागा पीछे करेंगे, लास्ट बचा हुआ है ये देखिए। ये पहला फंदा नहीं लेना हमको, बीच वाला फंदा निकाल लेना है ऐसे, धागा आगे करने के बाद दो फंदों का एक कर लीजिए। अब लास्ट में दो बचे हमारे, दो हम ऐसे ही बना लेंगे, ये देखिए ये पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए पूरी रो सीधी सीधी बना लेंगे हम इस तरह से। ठीक है, रो कंप्लीट कर लेते हैं। रो कंप्लीट हो गई है, ये देखिए बैक रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सीधी करेंगे, उसके बाद बैक करेंगे, तब जाके सीधी में आएंगे। मतलब चार रो कंप्लीट करके आते हैं सीधी रो पे। चार रो कंप्लीट हो गए हमारी। चार रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम नया कलर लगा लेते हैं। ये देखिए दो फंदे मैंने ऐसे ही ले लिए हैं, जैसे पहले पहली पैटर्न में किया था वही करना है हमको। दो फंदों के बाद इस तरह से ले लेना है, धागा आगे करके दो फंदों का इस तरह से पीछे से एक कर लेना है, ये देखिए। ठीक है, क्या करेंगे, दो फंदों के बाद जो गैप आता है उससे एक लूप ले लेंगे, धागा आगे करेंगे, और यही धागा हमारा पलट के जाता है जो बैक साइड में होता है, और इन दो फंदों का इस तरह से एक कर लेंगे, ये देखिए। थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, ये कैसा लग रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पैटर्न, जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बेल आइकन के साथ। अगर आप बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तो सबसे पहले जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं एंड, मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।